देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच ये वायरस देश में ना फैले इसलिए 21 दिनों का लॉकडाउन लागू किया गया है। लगातार इस बात की चर्चा भी चल रही है कि सरकार लॉकडाउन की अवधि को आगे बढ़ा सकती है, जिस पर अब सफाई सामने आ गई है। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा ने बयान दिया है कि सरकार की लॉकडाउन बढ़ाने की कोई मंशा नहीं है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए 24 मार्च से 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया था। ये लॉकडाउन 14 अप्रैल तक जारी रहेगा। इस बीच कोरोना के संकट को देखते हुए लगातार इस तरह की चर्चा हो रही थी कि सरकार 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन की मियाद को बढ़ा सकती है, लेकिन अब इन सभी खबरों पर कैबिनेट सेक्रेटरी ने रोक लगा दी है और उन्होंने कहा है कि वह इस तरह की रिपोर्ट्स देखकर हैरान हैं, लेकिन सरकार का अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है। साथ में आपको ये भी बता दें कि कोरोना वायरस के खतरे के चलते लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इस वजह से देश में मेट्रो, ट्रेन, प्लेन समेत सभी सुविधाओं को बंद कर दिया गया है। हर किसी को अपने घरों के अंदर रहने को कहा गया है और जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने को कहा गया है। कई राज्यों ने होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध करा दी है ताकि लोगों को कम से कम घर से बाहर आना पड़े। इस 21 दिन के लॉकडाउन की वजह से करोड़ों लोगों पर कामकाज का संकट आ गया है। खास तौर पर गरीबों को जरूरत के और खाने पीने के सामान को लेकर संकट था। इस बीच वित्त मंत्रालय ने राहत पैकेज का ऐलान किया था। लॉकडाउन के बीच सरकार की ओर से जितने भी पैकेज राहत का ऐलान किया गया वो सभी 3 महीने के लिए थे, फिर चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार। इसी के बाद इस तरह की चर्चाओं ने जोर पकड़ा कि कहीं सरकार लॉकडाउन के मियाद को आगे न बढ़ा दे। कोरोना से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार।